हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, हिंदी में बोले तो प्रबंधन की विशेषताएं। ठीक है, तो प्रबंधन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो हम इस लेक्चर में समझेंगे। मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियोज़ में, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो तो वो वीडियोज़ आप पहले ज़रूर देख लें। इस लेक्चर में हम देखेंगे मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं या विशेषताएँ क्या हैं। तो देखिए, मैनेजमेंट तो हर जगह होता है, हर जगह इसकी नीड होती है। कोई भी बिज़नेस हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, या बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का भी क्यों ना हो, वहाँ मैनेजमेंट के बिना हम अपने कार्य को पूरा नहीं कर सकते, हम अपने गोल को, अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही है पहला पॉइंट कि मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हिंदी में बोले तो प्रबंधन एक लक्ष्यपूर्ण प्रक्रिया है। क्लियर। अब देखिए, मैं आपको एक और बात समझाता हूँ कि जो मैनेजमेंट होता है वो लक्ष्यपूर्ण प्रक्रिया क्यों है। देखिए, हर एक बिज़नेस के अंदर दो ऐसी कैटेगरी होती हैं जहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई गोल नहीं होता, जिनके कुछ लक्ष्य नहीं होते, बस वो व्यापार कर रहे हैं, आज का बिज़नेस उन्होंने कर लिया, कल की उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, यानी कि उनको अगले हफ्ते क्या अचीव करना है इसके लिए उनके पास कोई भी माइंड सेटअप नहीं है, यानी कि उनके पास कोई गोल नहीं है। उनको ये नहीं पता कि मैं आज यहाँ हूँ तो दो साल बाद मुझे किस लेवल पर पहुँचना है, ये भी उनके पास कोई भी प्लानिंग नहीं है, कुछ उन्होंने ऐसी सोच कर नहीं रखा, या उनका कोई ऐसा सपना नहीं है कि मुझे इस तरीके का कुछ अचीव करना है। तो ऐसे लोगों के लिए मैनेजमेंट कुछ खास महत्व नहीं रखता। ठीक है, मान लीजिए एक छोटा सा पानीपुरी वाला है जो ठेला लगाता है पानीपुरी का, उसको सिर्फ आज की टेंशन है कि आज मेरा इतना माल बिकेगा या नहीं, दैट्स इट। उसने 5 साल बाद की योजना नहीं बनाई है, उसने ये नहीं सोचा है कि मैं इस तरीके से बिज़नेस करूँगा या इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचूँगा तो हो सकता है कि कुछ सालों बाद मेरी खुद की बहुत बड़ी रेस्टोरेंट हो, या मेरा खुद का छोटा मोटा एक व्यापार खुल जाए, या बिज़नेस में मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँ। तो ऐसा कुछ भी उसने सोचा नहीं है, तो उसके लिए मैनेजमेंट कोई खास ज़रूरी नहीं है। आज की दाल रोटी चल गई, परसों का कोई भरोसा नहीं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के पास मैनेजमेंट की कोई खास महत्व उनके पास नहीं होता। आज दुकान लगाई, कल नहीं लगाई, परसों लगाई, 3 दिन तक फिर नहीं लगाई, आज माल बेचा, कल इच्छा नहीं हुई, कल जल्दी आ गए। ऐसे लोग अनसर्टेन फॉर्म में काम करते हैं और इनके पास कोई लक्ष्य ना होने के कारण ये बस ज़िंदगी काट रहे हैं, ये एक लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ रहे, बस ये चल रहे हैं। और इन्हें 5 साल बाद भी आप देखोगे तो ये उसी लेवल पर आपको काम करते हुए मिलेंगे, बिकॉज यू हैव नो गोल, यू हैव नो अचीवमेंट। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप भी कोई बिज़नेस करते हैं और आपके कुछ ड्रीम्स नहीं हैं, कोई आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आपके पास कोई मिशन नहीं है, आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, आपके कोई सपने नहीं हैं, तो आप आज भी वहाँ जहाँ हैं आप 2 साल 5 साल बाद भी वहीं रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक गोल डिसाइड कीजिए। अगर आपका कोई लक्ष्य है कि आज मैं क्लर्क हूँ तो कल मुझे मैनेजर बनना है, फिर मुझे यहाँ का CEO बनना है, फिर मुझे यहाँ का MD बनना है, तो अगर आपकी लक्ष्य की जो प्रोसेस है वो चेन है, अगर आपने पहले ही डिसाइड कर ली है, तो आपको मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग लेवल पर करना पड़ेगा, खुद का भी और अपने बिजनेस का भी। ठीक है, बिना मैनेजमेंट के हम सक्सेस या अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। क्लियर। ठीक, मान लीजिए कि एक टेलर है, एक दर्जी है जो कपड़े सिलता है, उसके पास बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ के कपड़े सिलवाते हैं। अब वो अनसर्टेन फॉर्म में काम करता है। कैसे काम करता है, मान लीजिए उसके पास 2 लोग कपड़े सिलवाने आए, उसने बोल दिया भैया 10 दिन बाद दूंगा, उन्होंने कहा ठीक है, तो ऐसे ही उसका काम चलता रहता है। वो आज करेगा, उसकी कलेक्शन नहीं है, 2 दिन बाद का डेट दे दिया, मान लीजिए वो उस दिन कपड़े देने थे, वो व्यक्ति लेने आ गया, उन्होंने बोल दिया यार भैया अभी कंप्लीट नहीं हुए, मैं अगले हफ्ते दूंगा या 2 दिन बाद दे दूंगा। तो ये काम इसलिए चल रहा है, ऐसा उटपटांग काम इसलिए चल रहा है बिकॉज इनके पास किसी भी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक है ना,
आज भी उतने पैसे मिलने हैं, कल भी उतने ही पैसे मिलने हैं, तो आराम से करते हैं, रिलैक्स, कोई मैनेजमेंट नहीं है आने का, जाने का, काम करने का, किसी भी प्रकार का कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, दैट इज़ देर इज़ नो मैनेजमेंट, बिकॉज उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है। दूसरा के समझते वाले, अब इसी टेलर को, इसी दर्जी को अगर एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए बड़ी कंपनी का या बड़े से स्कूल का कि आपको एक महीने के अंदर 2000 शर्ट्स या स्कूल ड्रेस मुझे सिलकर देनी है, ये लो 1,00,000 रुपए का एडवांस चेक, तो अब क्या होगा? अब इसी व्यक्ति के काम करने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि अब इसके पास एक प्रोजेक्ट है, एक मिशन है, एक लक्ष्य है, और इसे वो लक्ष्य पूरा करना है, बिकॉज उसके लिए उसको पैसे मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं। ठीक है, अब यही व्यक्ति अपने आने जाने के, काम करने के तरीके में तुरंत ही परिवर्तन लाना शुरू करेगा, क्योंकि अगले महीने उसे इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 2000 स्कूल ड्रेसेस सिलकर उसे सबमिट करनी है। तो अभी तो अभी तो 10 दिन में ही एक कपड़े सिल पा रहा था, क्यों? बिकॉज देर वॉज नो मैनेजमेंट, लक्ष्य नहीं था। अब एक लक्ष्य है तो मैनेजमेंट भी है। ठीक है, अब इसी व्यक्ति को काम करने के तरीके में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर उसके यहाँ कुछ लोग काम करते हैं तो उनके भी काम करने के तरीके में उसे परिवर्तन लाना पड़ेगा, टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी, टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर टारगेट सेट करना पड़ेगा कि इस दिन इतने दिन में इतनी शर्ट सिलनी ही सिलनी है, यानी कि अब उसे पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसे एक अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा, एक लक्ष्य डिसाइड करना पड़ेगा, हर दिन का एक टारगेट उसे बनाना पड़ेगा, तब जाके वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा, उस गोल को अचीव कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो जहाँ कोई लक्ष्य है, जहाँ कोई ड्रीम है, जहाँ कोई मिशन है, वहाँ हमें एक एक कदम फूट फूट कर रखना पड़ता है, और इसीलिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत बनाने पड़ते हैं, उन सिद्धांत के ऊपर हमें लगातार चलना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। हर एक काम अगर व्यवस्थित होगा तो हम डेफिनेटली अपने गोल तक आसानी से और जल्दी ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ओके, अगला एक पॉइंट है, मैनेजमेंट इज़ प्रीमिसिव। प्रीमिसिव का मतलब ये है कि ये एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि विश्व में, पूरी दुनिया में आप कहीं भी बिज़नेस सेटअप कर लें, कहीं भी आप बिज़नेस ओपन करें, हर जगह प्रबंधन की नीड होती है, हर जगह अच्छे मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आप समझिए कि मान लीजिए आप भारत में रहते हैं और आपको इंदौर या मुंबई, दिल्ली जैसे शहर में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो आपको किन चीज़ों पर शुरू से ध्यान देना पड़ेगा? आपको कहाँ कहाँ मैनेजमेंट स्ट्रांग रखना पड़ेगा? आपको सर्विस में मैनेजमेंट स्ट्रांग रखना पड़ेगा, आपको अच्छा खाना लोगों को खिलाना पड़ेगा, अच्छी लोकेशन उनको देनी पड़ेगी, अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ क्रिएट करना पड़ेगा, पार्किंग, ऐसे छोटे छोटे सारे काम आपको व्यवस्थित तौर पर मैनेज करने पड़ेंगे। अब यही रेस्टोरेंट अगर आपको अमेरिका में खोलना हो तो वहाँ भी आपको सेम काम करने पड़ेंगे, वहाँ भी आपको पार्किंग से लेकर खाना, फूड क्वालिटी, हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि मैनेजमेंट हमें यहाँ भी करना है और मैनेजमेंट हमें वहाँ भी करना है। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह अप्लाई होगी। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस सेक्टर नहीं है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहां मैनेजमेंट होता हो और यहां मैनेजमेंट ना होता हो, ऐसा नहीं, हर जगह मैनेजमेंट होगा। तो मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड प्रीमिसिव। ठीक है, क्लियर, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि हर बिज़नेस में प्रॉफिट की नीड होती है, हर जगह प्रॉफिट चाहिए, हर जगह लोग ऐसा चाहते हैं कि मेरा बिज़नेस सक्सेसफुल हो, इसीलिए मैनेजमेंट की नीड सभी जगह पर होगी। क्लियर, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये है कि मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक जगह कुर्सी बैठा लगा ली और आप वहाँ बैठ गए और आप बस आने जाने वालों पर आप नज़र रख रहे हैं, नहीं,
मैनेजमेंट हर जगह होगा, बिजनेस के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी यूनिट्स होती हैं, ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं, ऐसे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट तो एक टोटल पेड़ हो गया, एक बहुत बड़ा वृक्ष हो गया, उसकी भी बहुत सारी शाखाएं हैं और बहुत सारी ब्रांचेज हैं। यानी कि आपको मैनेजमेंट काम का भी देखना पड़ेगा कि इतना काम आज हुआ कि नहीं हुआ। मैनेजमेंट आपको लोगों का भी करना पड़ेगा, यानी कि लोग यानी कि जो आपके वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें भी आपको मैनेज करना है। और मैनेजमेंट आपको जितने भी ऑपरेशंस वहाँ होंगे, यानी जितने भी काम वहाँ होंगे, फंक्शंस होंगे, उनको भी आपको मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि बहुत सारी शाखाएं होती हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होते हैं मैनेजमेंट के। बहुत सारे ऐसे ऐसे काम होते हैं जहां अलग अलग लेवल पर हमें अलग अलग तरीके से मैनेज करना पड़ता है। यह एक ओवरऑल मैनेजमेंट कहलाएगा, ठीक है। अगर आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है तो आप वहाँ पर क्या काम होता है उसको भी कंट्रोल करते हैं, आप वहाँ के लोग जो वहाँ काम करते हैं उनके काम पे भी कंट्रोल करते हैं, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, उनके आने जाने की टाइमिंग को कंट्रोल करते हैं, वो जो जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के क्वालिटी को भी वो कंट्रोल करते हैं, वहाँ जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो आप उनमें भी कंट्रोल करते हैं। यानी कि हर जगह, हर एक यूनिट पर, हर एक सेक्टर पर आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने बस लोगों के आने और जाने के ऊपर मैनेजमेंट रखा है, यानी कि जो लोग आते कितने बजे हैं और जाते कितने बजे हैं, बस बाकी काम अंदर वो कुछ भी करते रहे आपको कोई मतलब नहीं है, ऐसा होगा क्या? नहीं, आप उनके आने जाने के कंट्रोलिंग करके साथ साथ आप ये भी देखोगे कि ये व्यक्ति ने आज कितना काम किया, फिर आप ये भी देखोगे कि क्या ये व्यक्ति मन लगा के काम कर रहा है, फिर आप ये भी देखोगे कि क्या ये व्यक्ति क्वालिटी पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे हर एक सेक्टर पर, हर एक यूनिट पर आपको सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा था इसी के डिस्क्रिप्शन यहां पर है। अगला है हमारे पास, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब ये है लगातार चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि हिंदी में बोलूं तो प्रबंधन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि रुकती नहीं है। मैनेजमेंट एक ऐसा फीचर है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसे आप चलते हुए बिजनेस में रोक नहीं सकते, ठीक है। मान लीजिए कि आप कंपनी के बॉस हैं और आपने लोगों के टाइमिंग से लेकर उनके काम से लेकर उनके हर एक फंक्शन को, ऑपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है, सारा काम बहुत सिस्टमेटिक चलता है। ऐसा आपने 4-6 महीने तक किया, आपने देखा कि यार कितना अच्छा बिजनेस मिला, सेटअप हो गया है, मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आपने सोचा कि अब मुझे यहाँ रोज़ बैठने की ज़रूरत नहीं है, अब तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब चलो मैं कहीं घूम आता हूँ, और आप 15-20 दिन के लिए फैमिली के साथ कहीं घूमने के लिए चले गए, 20 दिन बाद आके आप देखते हो कि जैसा मैं छोड़ कर गया था अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब तक आप आते थे, जब तक आप रेगुलर बिजनेस में अपना ये कॉन्ट्रीब्यूशन देते थे, उन सभी को मैनेज करते थे, आपकी प्रेजेंस वहाँ इतनी इम्पोर्टेंस थी, लेकिन जैसे ही आपने वहाँ से छुट्टी ले ली, वहाँ से आप छुट्टी लेकर कहीं घूमने चले गए, तो आप आकर देखते हो कि सारा कुछ गड़बड़ हो गया है। यानी कि आप चलते हुए बिजनेस को, एक सक्सेसफुल बिजनेस को अगर मैनेजमेंट से वंचित कर देंगे, बीच में उसका मैनेजमेंट रोक देंगे, तो वो जहां था 10-5 साल पहले, वो वापस से एक सांप सीढ़ी के गेम की तरह वापस से 100 से 0 पर आ जाता है। इसलिए मैनेजमेंट को हमें कंटिन्यू चलाना पड़ता है, हमें लगातार एक ऐसे व्यक्ति को हायर करना पड़ता है जो बाकी के सारे स्टाफ मेंबर्स को, बाकी के सारे जितने भी वहाँ पे वर्क होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उनको लगातार मैनेज कर सके, उसे हम बोलते हैं मैनेजर, ठीक है। किसी भी इंडस्ट्री में देखिए, एक बंदा ऐसा होता है जो उस ऑफिस को मैनेज करता है, दैट इज़ मैनेजर। हाँ, आप कंपनी के बॉस हैं, यू आर ए वेरी बिजी पर्सन, आप रेगुलर ऑफिस नहीं आ सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ काम नहीं होगा, काम ज़रूर होगा। तो आप एक ऐसे बंदे को अपॉइंट कीजिए जो आपका काम करके दे दे, और आपका काम क्या है? लोगों को मैनेज करना, उन लोगों से काम करवाना। तो आप एक मैनेजर बिठाइए,
इससे होगा ये कि आप एब्सेंट भी हैं फिर भी आप एक तरीके से वहाँ मौजूद हैं और आपके बिहाफ पर वो व्यक्ति, वो मैनेजर सभी को कंट्रोल करेगा, लोगों को मैनेज करेगा और लगातार उनसे अच्छे से काम करवाएगा। और लोगों को भी ये रहेगा कि नहीं यार सर गुस्सा करेंगे, सर ने आज का टारगेट दिया है, मुझे टारगेट पूरा करना है, तो लोगों के ऊपर एक दबाव रहेगा, एक बर्डन रहेगा, है ना। और लोग उस बर्डन को महसूस करते हुए अपने काम को सिस्टमेटिकली करेंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर है? एक और एग्जांपल से आप समझिए कि मान लीजिए आप स्कूल में हैं और आपके स्कूल के प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत टफ हैं, ठीक है। और वो इतने टफ हैं कि उनकी मौजूदगी में बच्चे तो ठीक है, जितने भी टीचिंग स्टाफ है उनकी भी आवाज़ नहीं आ पाती, इतने डरते हैं सब उनसे, ठीक है। तो जैसे ही वो राउंड पर निकलते हैं सारे टीचर सारे स्टूडेंट बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, कि एक डर बैठ जाता है। इतनी बेहतरीन कंट्रोलिंग उन्होंने की हुई है, आप इसको डर कहिए या उनके मैनेजमेंट का तरीका समझिए या कंट्रोलिंग समझिए, आप कुछ भी समझिए, बट उनकी जो प्रेजेंस है वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट को क्रिएट करती है। अब मान लीजिए प्रिंसिपल सर किसी कारण से बीमार हैं और 4-5 दिन तक स्कूल नहीं आते हैं, अब क्या होगा स्कूल में? अब सभी लोग इस तरीके से आज़ादी मनाएंगे जैसे कि देश आज़ाद हो गया हो, और सभी लोग अपने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब वो व्यक्ति नहीं है जो उन्हें कंट्रोल करता था, जो उन्हें मैनेज करता था। इसलिए आप लगातार मैनेजमेंट को चलाएं, इसे बीच में रोके नहीं। आप कभी ये ना सोचें कि यार अब तो बिज़नेस अच्छा चल रहा है, अब मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं है, अब हम इसे बंद कर देते हैं, तो ये नहीं होगा। इसलिए आप इस फीचर को बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। अगले कुछ वीडियोस में हम आगे के कुछ फीचर्स को समझेंगे कि मैनेजमेंट में और क्या होता है और क्या फ़ीचर्स हैं मैनेजमेंट के, हम अगले लेक्चर में समझेंगे। मुझे लगता है ये चारों फीचर्स आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत डिटेल में मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। इन्हीं शब्दों को मेरे इन्हीं वर्ड्स को आप स्टोरी बना के बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। वीडियो चला गया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।